ओम शांति। 21 अप्रैल 2024 रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइज है 30-3-99 मधुबन। तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं। फिर भक्ति में क्या दिखाया, मस्तक पर 3 लकीर का तिलक और बीच में एक डॉट दिखा दिया, त्रिशूल दिखा दिया। तो आज एक तरह से इस मुरली के अनुसार आप यथार्थ समझ सकते हैं कि वो मस्तक पर 3 लकीर बाबा जो हमें बता रहे हैं, वही भक्ति में फिर 3 लाइन लगाकर टीका और त्रिशूल को दिखाया। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं, जिसमें एक लकीर है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर। यह परमात्मा पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक ही बार मिलता है, सिवाय इस संगम युग के यह परमात्मा पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। यह परमात्मा पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। अब इस विश्व में तो इतने सारे मनुष्य आत्माएं हैं जिन्होंने तन लेकर के पार्ट में आए हैं, दूसरे दूसरे धर्म के भी हैं। तो बाबा कहते हैं है तो बहुत सारे मेरे बच्चे, लेकिन कुछ एक बच्चों को ही ये भाग्य प्राप्त होता है। दूसरी लकीर है परमात्मा पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्मा पढ़ाई के भाग्य की लकीर याद रखना और खुशी में झूमना, अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलना। परमात्मा पढ़ाई यह कितना भाग्य है जो स्वयं परम आत्मा शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं, भगवान पढ़ा रहे ऊंच से ऊंच परम धाम का निवासी है ना, न्यायाधीश जो सबसे ऊंचा है इस संसार में। अगर कोई देख सकता है ऊंचाई से तो वही एक नीली छतरी वाला है, सातवें आसमान कहते हैं, परम धाम निर्वाण धाम का निवासी हम सबका बाबा है ना, वो सर्वशक्तिमान बाप। तो बाबा कहते हैं जरा सोचो तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, स्वयं परम आत्मा शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। तीसरी लकीर है परमात्मा प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं, सभी को याद है ना प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है। तो हर एक के मस्तक में यह 3 लकीर चमक रही हैं, ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो। बाबा कहते पालना पढ़ाई और प्राप्तियां साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्मा बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं, सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी है, महान भी है और होलीएस्ट भी है। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं है, और फिर हाईएस्ट भी हो होलीएस्ट भी हो तो साथ साथ रिचेस्ट भी हो, रिचेस्ट है कि नहीं। तो बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया कि ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। पहले ओम मंडली से ही जाना जाता था, ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नहीं, ओम मंडली। जब शुरू शुरू में बाबा डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम जब हुआ अलग अलग हमारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, तब बाबा आए थे, तब शुरू शुरू में ओम मंडली ही रखा था। तो बाबा कहते हैं अखबारों में ही अखबारों में भी फलक से डलवाया कि ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। यह स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। एक दिन में कितना भी बड़े थे बड़ा मल्टी मल्टी मिलियनर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। सोचो जरा इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है, बहुत छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज माला माल बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं आप इतने माला माल बनते हो, माला माल बनने का साधन जानते हो, जानते हो। बाबा कहते हैं
साधन है बिंदी। सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है बस, बिंदी लगाई कमाई हुई। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना, वह भी बिंदी है। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। वैसे लौकिक में भी देखो बिंदी से ही संख्या बढ़ती है। एक के आगे बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता है, 10। दो बिंदी लगाओ, 3 बिंदु लगाओ, 4 बिंदी लगाओ, बढ़ता जाता है। तो आपका साधन कितना सहज है, मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। कर्म में, संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ, बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ गया, बढ़ जाता है। तो बताओ सारे दिन में कितने बार बिंदी लगाते हो, और बिंदी लगाना कितना सहज है, मुश्किल है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ तो सभी को बिंदी लगाने आती है। अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ, पक्की है ना? या कभी खसक जाती है, कभी लग जाती है। सबसे सहज बिंदी लगाना है। कोई इस आँखों से ब्लाइंड भी हो, वह भी अगर कागज पर पेंसिल रखेगा तो बिंदी लग जाती है। और आप तो त्रिनेत्री हो, इसलिए इन 3 बिंदियों को सदा यूज करो। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, लिख कर देखो, टेढ़ा है ना? और बिंदी कितनी सहज है, इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनाने की विधि सुनाते रहते हैं। विधि है ही बिंदी, और कोई विधि नहीं है। अगर विधि ही बनते हो तो भी विधि है सबकी। बाबा कहते हैं अगर विधि ही बनते हो तो भी विधि है ना बिंदी बनना। शरीर ही बनते हो, जीते जी इस देह से न्यारे रहते हो। आत्मा खुद को समझना है, देह से न्यारे होना है, तो आत्मा समझना पड़े, बिंदी अर्थात आत्मा। तो कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते, सब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदुओं का तिलक मस्तक पर लगाओ। वह लाल बिंदियों का तिलक लगाने में ही शुरू करना, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ, मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु। और ये जो बना बनाया ड्रामा जैसा चला, जैसा चल रहा है, जैसा चलेगा, वो एक्यूरेट है। तो बाबा कहते चेक करो, किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिटे नहीं। तो स्मृति का तिलक लगाना है, किसी भी कारण से यह ना मिटे, अविनाशी अमिट तिलक है। बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते हैं, कितने प्यार से भाग भाग कर मनुष्य, बाबा कहते भाग भाग कर मिलन मनाने पहुंचते हैं। और फिर आज हॉल में भी मनाने के लिए बड़ी मेहनत से, बाबा कहते कितने प्यार से नींद, प्यास को भूलकर पहले नंबर में नजदीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं ना, सुबह सुबह उठ करके कि हमें आगे मिल जाएगा मुरली सुनने के लिए। बाबा के डायमंड हॉल में जो है दादी के उधर बैठना, पीस ऑफ स्तंभ के पास या जैसा भी जहाँ भी, लेकिन सब पहले नींद फिट जाए, कुछ भी हो जाए, रात भर क्यों ना जागना पड़े, लेकिन पहले जा करके बैठना है। इतनी मेहनत करते हैं पास में बैठने के लिए। तो बाबा कहते प्यास को भूल कर पहले नंबर में नजदीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा सब देखते हैं, क्या क्या करते हैं, वह सारा ड्रामा देखते हैं। बाप दादा बच्चों के प्यार पर न्योछावर भी होते हैं, और यह भी बच्चों को कहते हैं, जैसे साकार में मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर आते हैं, तो बाबा कहते हैं आते हो
ऐसे ही बाप समान बनने के लिए भी तीव्र पुरुषार्थ करो। जैसे दौड़ दौड़ कर मिलने जाते हो, ऐसे ही बाप बाबा के जो भी महावाक्य है उनको सुनकर धारण करो। तो बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ करो, इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे से आगे नंबर मिले। सबको तो मिलना नहीं है, यहाँ साकारी दुनिया में है ना, तो साकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। बाप दादा उसमें सोचते हैं कि सब आगे आगे बैठ जाए, लेकिन वो यह हो सकता है, हो भी रहा है। कैसे? पीछे बालों को बाप दादा सदा नैनों में समाया हुआ देखते हैं। बाबा नैनों में समाया हुआ देखते हैं बाप दादा, तो सबसे समीप है नयन, तो पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन आप बाप दादा के नैनों पर मैं बैठे हो, नूर रत्न हो। पीछे वालों से बाबा कहते हैं, पीछे वालों ने सुना, दूर नहीं हो, समीप हो, शरीर से पीछे बैठे हैं, लेकिन आत्मा सबसे समीप है, और बाप दादा को सबसे ज्यादा पीछे वालों को ही देखते हैं। बाबा तो पीछे वालों को ही देखते हैं। देखो, नजदीक वालों को इन स्थूल नयनों से देखने का चांस है, और पीछे वालों को इन नयनों से नजदीक देखने का चांस है, इसलिए बाप दादा नयनों में समा लेता है। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। 2 बजता है और लाइन शुरू हो जाती है। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े थक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर देते हैं। टांगों में मसाज हो जाता है। बाप दादा का मसाज देखा है ना, है ना, टांगों में मसाज हो जाता है। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा है। बाबा कहते हैं, तो आज सभी सीजन का लास्ट चांस लेने के लिए चारों ओर से भाग भाग कर मनुष्य गए हैं। अच्छा है, बाप से मिलन का उमंग उत्साह सदा आगे बढ़ाता है। लेकिन बाबा तो बच्चों को 1 सेकंड भी नहीं भूलता है। बाबा कह रहे, लेकिन बाप दादा तो बच्चों को 1 सेकंड भी नहीं भूलता है। देखो बाबा कितना याद रखते हैं, उनके पास तो कुछ है भी नहीं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों के पास तो 100 तरह का सोचने के लिए, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तो बाबा कहते, 1 सेकंड भी नहीं भूलते, क्योंकि सीख ही लेते हो, बिछड़े हुए हो ना। देखो कहाँ कहाँ, देश विदेश के कोने कोने से बाप ने ही आपको ढूंढा। अब बाबा कहते, आप बाप को ढूंढ सकते, भक्ति बाबा कहते हैं ढूंढ सकते हो कि नहीं ढूंढ सकते हो, बाबा को ढूंढो, है ना। तो मंगत साह में झूमते बाबा कहते हैं, अनेक बार बच्चों को 1 सेकंड भी नहीं लगता, कहां देश विदेश घूमने में आप जगह जगह पड़े हुए हो। तो बाबा ने देखो कहां कहां देश विदेश के कोने कोने से बाप ने ही आपको ढूंढा। हमारे में क्या ताकत है जो हम भगवान को ढूंढ सके, भगवान ने खुद हमें ढूंढा, तो आप बाप को ढूंढ सके नहीं, भटकते रहे लेकिन मिल नहीं सके। और बाप ने भिन्न भिन्न देश, गांव, कस्बे, जहां जहां भी बाप के बच्चे हैं वहां से ढूंढ लिया। बाबा की करंट ही ऐसी है, लेकिन करंट तभी खींचेगी तब आत्मा, आप समझोगे, अपना बना लिया। गीत गाते हो ना, मैं बाबा का और बाबा मेरा, ना जाति देखी, ना देश देखा, ना रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा। ना जात देखी, ना पांच देखी, ना देश देखा, ना रंग देखा, सबके मस्तक पर सिर्फ रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु। डबल फॉरेनर्स क्या समझते, बाप ने जाति देखी, काला है, गोरा है या श्याम है, सुंदर है, कुछ नहीं देखा, मेरा है यह देखा। तो बताओ, बाप का प्यार है या आपका प्यार है, किसका है? दोनों का है। बच्चे भी उत्तर देने में होशियार है, कहते हैं, बाबा आप भी कहते हो कि प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है, तो हमारा है, तब तो खींचता है।
बच्चे भी होशियार हैं और बाप को खुशी है कि इतना हिम्मत उमंग उत्साह रखने वाले बच्चे हैं। बाप दादा के पास 15 दिन के चार्ट का बहुत बच्चों का रिजल्ट आया है। एक बात तो बाप दादा ने चारों ओर की रिजल्ट में देखी कि मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन रहा है। परसेंटेज जितनी स्वयं भी चाहते हैं उतनी नहीं है, परंतु अटेंशन है और दिल ही दिल में। तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच जाएंगे। माइनॉरिटी अभी भी कभी अलबेलेपन में और आलसी के वश अटेंशन भी कम दे रहे हैं। उन्हों का एक विशेष स्लोगन है, हो ही जाएंगे, जाएंगे, जाना है, नहीं जाएंगे, हो ही जाएगा, यह है अलबेलापन। जाना ही है, यह है तीव्र पुरुषार्थ। बाप दादा वायदे बहुत सुनते हैं, बार बार वायदे बहुत अच्छे करते हैं। बच्चे वायदे इतनी अच्छी हिम्मत से करते हैं जो उस समय बाप दादा को बच्चे बाबा कहते, उस समय बाप दादा को भी बच्चे दिल खुश मिठाई खिला देते हैं। बाप को भी खा लेना था, लेकिन बाप दादा का वायदा है। बाबा कहते हैं बच्चे दिल खुश मिठाई खिला देते हैं बाप दादा को भी, तो बाप भी खा लेते हैं, लेकिन वायदा अर्थात पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा फायदा। अगर फायदा नहीं तो वायदा समर्थ नहीं, तो वायदा भले करो फिर भी दिल खुश मिठाई तो खिलाते हो ना। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संपर्क के हिसाब किताब हैं, उसको ज्वाला स्वरूप से भस्म करो। लगन है इसमें बाप दादा भी पास करते हैं और अभी लगन को अंतिम रूप में लाओ। तो बाबा कहते मायावी जो अग्नि है ना उसे खत्म करो और योग की अग्नि से करना है। तो बाबा कहते हैं उस अग्नि को समाप्त करेगी याद की अग्नि, पावरफुल है और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी, एक तरफ भस्म करेगी दूसरी तरफ शीतल भी करेगी, बेहद के वैराग्य की लहर फैलाएगी। बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है सिवाय बाबा के और कोई नहीं, यह बहुत अच्छा है, परंतु समय अनुसार सब अभी ज्वाला रूप बनो। जो यादगार में शक्तियों का शक्ति रूप महाशक्ति रूप सर्वशस्त्र धारी दिखाया है, अभी वह महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। चाहे पांडव हैं, चाहे शक्तियां हैं, तो सारे शिव शक्तियां, तो सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो, ज्ञान सागर से निकले हो ना, तो सागर नहीं हो नदी हो, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी नदी, वो भी नदी ही है लेकिन ज्ञान सागर नहीं है। तो बाबा कहते तुम सभी सागर नहीं नदी हो, ज्ञान गंगाएं हो, तो ज्ञान गंगाएं अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। यह है वर्तमान समय का ब्राह्मणों का कार्य। सभी बच्चे पूछते हैं कि इस साल क्या सेवा करें, तो बाप दादा पहली सेवा यही बताते हैं कि अभी समय अनुसार सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था में हैं, तो वानप्रस्थ ही अपने समय साधन सभी बच्चों को देकर स्वयं वानप्रस्थ होते हैं। तो आप सभी भी अपने समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना अभी औरों के प्रति लगाओ, अपने प्रति समय संकल्प कम लगाओ, औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे। जितना ज्ञान खजाना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। मनसा सेवा, वाचा सेवा और सबसे ज्यादा चाहे ब्राह्मण चाहे और जो भी
संबंध संपर्क में आते हैं उन्हों को कुछ ना कुछ मास्टर दाता बन के देते जाओ। एक बार नहीं सुनेंगे, दो बार नहीं सुनेंगे, बार बार सुनाओ। जहां आप रोज जाते हो, ऑफिस में, जॉब में, वहां आप सुनाते रहो। एक ना एक दिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बाबा के बच्चे निकल ही आएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम मास्टर दाता बन के देते जाओ, नहीं स्वार्थ बन, खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। आप अशांति की अनुभूति कराएंगे तो आपका भी मन अशांत होगा, अगर आप शांति दोगे तो शांति ही लौट करके आएगी। तो प्रेम की अनुभूति कराओ, आनंद की, शांति की, खुशी की, निस्वार्थ भाव से देना है और देना माना स्वतः ही लेना। जो भी जिस समय जिस स्वर और जिस रूप में संबंध संपर्क में आए, उस आए कुछ लेकर जाए, आप मास्टर दाता के पास आकर खाली नहीं हो नहीं जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते भी अगर कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ ना कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता। यह चेक करो, जो भी आया मिला, कुछ दिया हुआ खाली गया। खजाने के खजाने से जो भरपूर होते हैं वह देने के बिना रह नहीं सकते। अखुट अखंड दाता बनो, कोई मांगे नहीं। दाता कभी यह नहीं देखता कि यह मांगे तो दे। अखुट महादानी महादाता स्वयं ही देता है। तो पहली सेवा इस वर्ष महान दाता की करो। आप दाता द्वारा मिला हुआ देते हो। ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं है लेकिन सहयोगी है। तो आपस में ब्राह्मणों को एक दो में दान नहीं देना है, सहयोग देना है। बाबा कहते हैं यह है पहला नंबर सेवा। और साथ साथ बाप दादा ने विदेश के बच्चों की खुशखबरी सुनी। तो बाप दादा ने देखो या बाप दादा ने देखा कि जो इस सृष्टि की आवाज फैलाने के निमित्त बाप दादा ने जो माइक नाम दिया है, तो विदेश के बच्चों ने आपस में इस कार्य को किया है। और जब प्लान प्लान बना है तो प्रैक्टिकल होना ही है। लेकिन भारत में भी जो 13 जोन है, हर एक जोन से कम एक ऐसा विशेष निमित्त सेवाधारी बने जिसको माइक कहो या कुछ भी कहो, आवाज फैलाने वाले कोई निमित्त बनाओ। यह बाप दादा ने कम से कम कहा है। लेकिन अगर बड़े बड़े देश में ऐसे निमित्त बनने वाले हैं तो सिर्फ जोन वाले नहीं, लेकिन बड़े देशों से भी ऐसे तैयार कर प्रोग्राम बनाना है। बाप दादा ने विदेश के बच्चों को दिल ही दिल में मुबारक दी है। अभी मुख से भी दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल में लाने का प्लान पहले बाप दादा के सामने आया। वैसे बाप दादा जानते हैं कि भारत में और ही सहज है, लेकिन अभी कुछ क्वालिटीज की सेवा कर सहयोगी समीप लाओ। बाबा कहते कुछ क्वालिटी की सेवा कर सहयोगी समीप लाओ। बहुत सहयोगी हैं जिन लेकिन संगठन में होने उन्हों को अब समर्पित में समीप में लाओ। साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं में और भी समीप लाने के लिए हर एक तरफ वा मधुबन में चारों ओर ज्वाला स्वरूप वा वायुमंडल बनाने के लिए चाहे जिसको मुट्ठी जिसको भी भट्टी ना। बाबा के कहते हैं कि मधुबन में चारों ओर ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने के लिए चाहे जिसको भट्टी कहते हो वह करो। चाहे आपस में संगठन में रूह रिहान करके ज्वाला स्वरूप का अनुभव कराओ और आगे बढ़ाओ। अच्छा, ये भट्टी, ये ज्वाला, ये संगठन, ये सब इसीलिए क्योंकि जब हम एक साथ अनेक आत्माएं एक ही तरह का श्रेष्ठ संकल्प के साथ टिकेंगे और श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा सेवा करेंगे तो साथ साथ में संगठन के साथ होने से कितना पावरफुल एनवायरमेंट होगा।
तो बाबा कहते इस तरह सेवा में लग जाएंगे, जो जो छोटी बातें हैं ना, बाबा कहते हैं सेवा को बढ़ाओ, जो जो छोटी बातें हैं ना जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, दिल शिकस्त होते हैं। तो बाबा कहते संगठन में रह करके सब करेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। तो बाबा कहते चाहे जिसको भट्टी कहते वो करो, चाहे आपस में संगठन में रहो, रिहान करके ज्वाला का अनुभव कराओ। ऐसे ही बाबा ने कहा कि सेवा में लग जाओ, जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, दिल शिकस्त बनते हैं, वह सब ऐसे लगेगा जैसे ज्वालामुखी हाईएस्ट स्टेज, और उसके आगे वह बाबा कहते यह समय देना, मेहनत करना एक गुड़ियों का खेल है, अनुभव होगा स्वतः ही, सहज ही, सेफ ही। तो बाबा कहते हैं स्वतः ही, सहज ही, सेफ हो, सेफ ही नहीं सेफ हो जाएंगे। बाप दादा ने कहा ना कि सबसे ज्यादा बाप दादा को रहम तब पड़ता है जब देखते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे और छोटी छोटी बातों के लिए मेहनत करते हैं। मोहब्बत ज्वालामुखी रूप की कम है तब मेहनत लगती है। तो अपनी मेहनत से मुक्त बनो, अलबेले नहीं बनना, लेकिन मेहनत से मुक्त होना, ऐसे नहीं सोचना मेहनत तो करनी नहीं है तो आराम से बैठ जाओ। तो बाबा कहते हैं आराम से बैठना नहीं है, आराम से सो जाओ, ऐसे नहीं। तो सोचना मेहनत तो करनी है, करनी नहीं है तो आराम से सो जाओ, बैठ जाओ, लेकिन मोहब्बत से मेहनत खत्म करो। मोहब्बत इतनी हो कि आपको अथक सेवा करते रहो। बाप है ना, आपका तो सिर्फ कर्मेंद्री है, मुख में तो अंदर मन में बुद्धि में तो बाप है। तो बाबा कहते मेहनत नहीं, मोहब्बत से आलस को भगाओ, यह पक्का याद रखना, आलस से नहीं करो, ठीक है। सब संकल्प पूरे हुए, कोई रह गया? जनक से दादी जानकी से पूछते हैं, पूछ रहा, दादी तो मुस्कुरा रही है। खेल पूरा हो गया, यह ऑपरेशन भी क्या है, खेल में खेल है, खेल अच्छा रहा ना। ड्रिल सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करें। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो, यूज करके देखो, ऐसे नहीं ऑर्डर करो कंट्रोल और 2 मिनट के बाद कंट्रोल हो। बाबा कहते ऐसे 2 मिनट 1 मिनट सेकंड्स में कंट्रोल हो जाए, है ना। तो इसलिए तो बाबा कहते हैं 2 मिनट के बाद कंट्रोल हो जाए, हो 5 मिनट के बाद कंट्रोल हो, इसलिए बीच बीच में कंट्रोलिंग पावर को यूज करके देखते जाओ। सेकंड में होता है, मिनट में होता है, ज्यादा मिनट में होता है, यह सब चेक करते जाओ। अभी सभी को 3 मास का चार्ट और पक्का करना है, सर्टिफिकेट लेना है। पहले स्वयं को सर्टिफिकेट देना, फिर बाप दादा देंगे। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा पालना के अधिकारी, आत्माओं को परमात्मा पढ़ाई के अधिकारी, श्रेष्ठ आत्माओं को परमात्मा प्राप्तियों के संपन्न आत्माओं को सदा बिंदी की विधि से, तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले, मोहब्बत के मोहब्बत में समाये हुए बच्चों को ज्वाला स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव, शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जब आप श्रेष्ठ सोचते हैं, शक्तिशाली संकल्प में टिके रहते हैं, मनसा में बिल्कुल व्यर्थ नहीं चलता है, तो वही समर्थी है, है ना। निर्विकल्प नहीं होते शुद्धता विचारों की,
तो समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सेवाधारी भव। कहा जाता है संकल्प भी सृष्टि बना देता है। अब बाबा कहते जब कमजोर और व्यर्थ संकल्प करते हो तो व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है ना, विकारों की सृष्टि है ना। तो सच्चे सेवाधारी वो हैं जो अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से पुराने वाइब्रेशन को भी समाप्त कर दें। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, ऐसे आपके शुद्ध समर्थ संकल्प का वाइब्रेशन व्यर्थ का वाइब्रेशन को समाप्त कर दे। अब ऐसी सेवा करो। स्लोगन, विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष मनाओ। विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष मनाओ। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में स्वयं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हो। स्वयं को इष्ट देवी अपने भक्तों की मनाएं नजर से निहाल करने की दर्दनीय मूर्त बन सर्व को दर्शन कराते हुए प्रसन्न करने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।